आजमगढ़ के सगड़ी तहसील क्षेत्र स्थित वीआर वर्मा महिला महाविद्यालय जोखरा लाठघाट में कांग्रेस नेत्री राणा खातून ने छात्राओं को सख्ती विधान महिला घोषणा पत्र वितरित कर उनको कांग्रेस की नीतियों से अवगत कराते हुए पार्टी की नेता प्रियंका गांधी द्वारा की गई महिलाओं के सुरक्षा स्वावलंबन के अधिकारों को लेकर घोषणा पत्र के बारे में बताया। मुझे राणा खातून कहते हैं और मैं कांग्रेस पार्टी की वर्कर हूँ। सगड़ी विधानसभा से मेरी दावेदारी है और मैं उसी संबंध में यहाँ सगड़ी विधानसभा में काम कर रही हूँ। और मेरी पार्टी की नेता प्रियंका गांधी जी, जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की महासचिव हैं, उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं, वो उन्होंने शक्ति विधान महिला कांग्रेस के लिए वो घोषणा पत्र लॉन्च कर दिया है। तो उसको अब हम लोग जगह जगह पे, जैसे कल था तो ज़िला डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे वो लॉन्च हो रहा था, वो निकालो तो वो लॉन्च किया गया है और आज विधानसभाओं में है। तो मेरी विधानसभा सगड़ी है, इसलिए मैंने आज अपने यहाँ बीआर वो बरखूराम वर्मा पीजी कॉलेज में मैंने इस शक्ति विधान को लॉन्च किया है। यहाँ हज़ारों महिलाओं के साथ ये शक्ति विधान जो है मैंने लॉन्च किया है। चूँकि इसमें महिलाओं के बारे में ही उन्होंने सब कुछ बताया है, इसलिए महिलाओं के बीच में इसको ले जाना, उनके तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। ये काम हम लोग कर रहे हैं, ये मैंने आज यहाँ शुरू किया है। मैम, इसका इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? मैम, इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिला शक्ति है और वो शक्ति ही देश को चला रही है, क्योंकि हर परिवार में किसी भी परिवार को महिला ही चलाती है और महिला चलाती है तो सारे परिवार मिलके समाज और देश बनता है। तो ये शक्ति जो है वो देश को चला रही है, तो उनको हमें ये महसूस कराना, एहसास दिलाना है कि आप लोग इस योग्य हो। उसके लिए प्रियंका जी ने इसमें जो घोषणा पत्र है इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं और सारा इन्होंने जो इसमें दे दिया है, ये महिलाओं के बारे में, महिलाओं के बीच में जाके उनके बारे में बताना बहुत ज़रूरी है, तभी इसकी सार्थकता साबित होगी। और ये लोग मिल करके ही आज के दिशा को चेंज करेंगे, बदलेंगे। मैम, इस कार्यक्रम के जरिए और लड़कियों लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगी? मैम, लड़कियों लोगों को ये कि आप लोग इस रास्ते पे चलो, आप देखो इसको, आपको इसके लिए ये हम दे रहे हैं, आप इसके इसको अपनाओ और ये चीज़ें मिल रही हैं, हमारे हक की बात है, तुम्हारे न्याय के लिए, तुम्हारे हक के लिए इसे तुमको न्याय मिलेगा, ये उनको बताना ज़रूरी है, वो हम लोग बता रहे हैं। अगर हमारी सरकार बनती है तो बदलाव जरूर नजर आएगा। इस दौरान मौके पर डॉक्टर दुर्गेश यादव, श्याम कुमार, डॉक्टर अमरजीत सिंह, फूल बदन सिंह, डॉक्टर रामलेश पटेल, कमलेश यादव आदि लोग उपस्थित रहे। एजेड न्यूज़ के लिए आदर्श श्रीवास्तव की रिपोर्ट, आजमगढ़।